मीडिया में एंकर ही हैं जो देश की बात जनता के सामने रखता है अपने डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते अपने डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, विदेश भेजने की भारत की टीका नीति का सच। दूसरा, वैक्सीन अभियान का सच और राजनीति का महाझूठ। तीसरा, गांवों में कोरोना की दस्तक, बेबसी लाचारी का दर्द बना मजबूरी। चौथा, सुविधाओं की कमी से होने वाली मौतों का जिम्मेदार कौन। पांचवा, काश अच्छा इलाज मिलता तो आपके अपने कोरोना के क्रूर हाथों से बच जाते। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी वीडियो के जरिए ऑक्सीजन की कमी और सरकार की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। जिस 11 मई को आंध्र प्रदेश के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 11 लोगों की मौत हुई थी, दरअसल हत्या हुई थी। उसी दिन यानी 11 मई को गोवा मेडिकल कॉलेज में 26 लोग मरे थे। 12 मई को कथित रूप से 20 लोगों की मौत हुई। 13 मई को 15 लोगों की मौत हुई। यही नहीं, 14 मई को 13 लोगों की मौत हुई। आपके लिए ये सब नंबर है, लेकिन इसमें किसी का कोई पिता है, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है। 11 मई से लेकर 14 मई के बीच 70 से अधिक लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आने से कथित रूप से मारे गए। ये मौत नहीं, नरसंहार। कोरोना को हरा देना और इसकी तैयारियों को लेकर किए गए सारे दावों का झूठ नागरिकों के चेहरे पर तमाचे की तरफ पड़ रहा है और आपके अपने अस्पताल जाकर ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मारे जा रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, 12वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं। दूसरा, टीके पर इतनी महामारी क्यों। तीसरा, शहरों पर नजर, गांवों की कब लोगे खबर, गांवों की गुहार कुछ तो करो सरकार। चौथा, आलोचना क्यों नहीं सुनना चाहती सरकार। पांचवा, वैक्सीनेशन शुरू, टीका लगेगा कब। कोरोना महामारी के बढ़ने से देश में वैक्सीन की काफी कमी देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन सेंटर में लोग जाते हैं पर उन्हें वैक्सीन नहीं लगती। इस मुद्दे पर संदीप ने डिबेट की और सरकार के नेता से सवाल किए। तो आप शुरू कर रही है, मतलब हमने ना अंदाजा लगाया ना फॉरवर्ड प्लानिंग की। हम निर्यात कर रहे थे 6,60,00,000 वैक्सीन हमने निर्यात की और उसमें से भी 20 लाख तो अप्रैल के महीने में, जनवरी फरवरी मार्च में हमने 6,40,00,000 निर्यात कर दी। उतने तो हमने टीके नहीं लगाए उस दौरान। 16 जनवरी से हमारा टीकाकरण शुरू हो गया। ये बहुत फैलाया जा रही है बात कि निर्यात कर दी। एक तिहाई जो जितनी वैक्सीन अवेलेबल थी उसकी एक तिहाई, वो भी गविस जो हमारा एसोसिएशन है जिसमें हम भी अपने देश के लिए सहायता लेते हैं और गरीब देशों को सहायता दी भी जाती है और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वो एक तिहाई वैक्सीन है, वो बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं थी, वो उसके तहत दी गई है और वो पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ केवल भारत नहीं है, पूरी दुनिया ने गवी को अपनी वैक्सीन दी है। हाँ। गवी के थ्रू जो है दूसरी कंट्री, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये तो कहा ही नहीं कि वी हैव इनफ वैक्सींस, मुकम्मल तादाद में है। ये बातें कही गई कि नहीं कही गई, इसलिए मैंने फॉरवर्ड प्लानिंग शब्द इस्तेमाल किया। अब बात गोदी मीडिया के एंकर्स की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे, हिंदुस्तान का प्रण, कोरोना से जीतेंगे रण। दूसरा, एकता का मंत्र, कोरोना का होगा अंत, जीत जाएंगे हम सब अगर संघ है। तीसरा, कोरोना काल के देवदूत श्रीनिवास बीवी के साथ खास बातचीत। चौथा, COVID-19, रहेंगे पॉजिटिव तभी होंगे नेगेटिव, कोरोना से मेरी आंखों देखी। पांचवा, कोरोना पर सबका साथ कब, सियासत से सुधरेंगे हालात। एक तरफ का मीडिया सरकार से सीधे सवाल कर रहा है, दूसरी तरफ अमीश प्रधानमंत्री के कोरोना से लड़ने को लेकर दिए भाषण पर डिबेट करते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। तो हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि कोरोना की हर हाल में कोरोना को हराना है और इसका असर भी लगातार दिख रहा है। कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है, कोरोना के खिलाफ
हमारी तैयारी मजबूत होती जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भारत हिम्मत नहीं हारेगा, ना ही कोई भारतवासी हिम्मत हारेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी सोच के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत के इसी मजबूत जज्बे पर संवाद करने के लिए आज के आर पार में मेरे साथ जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान। तो यही है आज का आर पार हिंदुस्तान का प्रण, कोरोना से जीतेंगे हम रण। बात करते हैं न्यूज नेशन के सीनियर पत्रकार दीपक चरसिया की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। कोरोना काल में किसानों को सौगात, राजनीति क्यों? दूसरा, जनसंख्या विस्फोट ने महामारी में कैसे बढ़ाई मुश्किल? तीसरा, कोरोना काल की चुनौतियों के बीच राजनीति किसकी? हाँ, के नाम पर ये कैसी सियासत? किसानों का साथ देने आई बेटी के गुनाहगार कौन? इसमें लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और दीपक चौरसिया अभी भी कांग्रेस और भाजपा के बीच हो रही सियासत पर डिबेट कर रहे हैं। आप भी सुनिए उनकी ये डिबेट। सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा और साथ ही साथ अब जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को एक करारा जवाब लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए और उनका क्या कहना है ये हम आपको बताएंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी नकारात्मकता की राजनीति कर रही है, उनका कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। नकारात्मकता और भ्रम की इसी राजनीति के चलते जो कोविड वॉरियर्स हैं, कोविड से जो लोग लड़ रहे हैं, उनका मनोबल गिर रहा है। उनका यह भी कहना है कि वैक्सीन पर भ्रम फैलाया गया, कोरोना के कई मसलों पर भ्रम फैलाया गया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार से सवाल तो पूछे जा रहे हैं लेकिन अपने कांग्रेस शासित या फिर कांग्रेस गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पीठ थपथपाई जा रही है जबकि सबसे ज्यादा केसेस उन्हीं के राज्य में है। सवाल यह है कि कोरोना के जिस संकट काल से हम गुजर रहे हैं उसके बीच क्या राजनीति होनी चाहिए। खुद ही देखा कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। मोदी मीडिया भले ही सवाल ना पूछता हो और ना ही अधिक जानकारी देता हो पर हम आप तक सही और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लाने का प्रयास करते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।